नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द नंबर ऑफ वंस इन 8-बिट रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ वन इन 8-बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -127 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एम एंड दैट वन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम रेशियो एन। अब देखो, नंबर ऑफ वंस की बात हो रही है यहां पर, नंबर ऑफ वंस की बात हो रही है ना, कि वन कितने हैं आपके टूज कॉम्प्लीमेंट में और वंस कॉम्प्लीमेंट में, दोनों का यहां पर क्या लेना है, दोनों का आपको बेसिकली क्या लेना है, रेशियो लेना है। अब दोनों का रेशियो लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। करो सॉल्व, कैसे करोगे, पहले तो -127 है उसको रिप्रेजेंट करना होगा साइन बिट के साथ में। अब साइन बिट के साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना होगा, +127 लिखना होगा। +127 लिखने के लिए आपको वैल्यू कहां तक की चाहिए होगी, कोड बता दूं मैं आपको, 64 वाला कोड लग जाएगा क्या, 64 32 16 8 4 2 1, ये होगा क्या, 64 और 32 हो जाएगा वाला कोड यूज, हो जाएगा। 64 का डबल फिर आपका ज्यादा हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 127 है। तो बेसिकली हो जाएगा 64 और 32 96 96 और 16 112 120 120 और 8421, ये पूरा ही है, 127 होगा, ठीक है, ये पूरा ही आ जाएगा 1111, है ना, 127 हो जाएगा पूरा 111, ये हो गया आपका पॉजिटिव 127, 111 कितनी बार, 3 4 5 बार, 3 और 4 7 बार 1, ठीक है, यह आपका आ गया 127। आगे लगाऊंगा 0 0, किसके लिए, साइन बिट हो गई है 0। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों निकाल देते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में टोटल से क्या करना है, इसको टोटल से माइनस करना है। तो जाहिर सी बात है 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1 आएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ वन कितने हो गए, नंबर ऑफ वन हो जाएगा 1, है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये क्या निकाला हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ठीक है। अब इसी में 1 ऐड कर दो यहां पर, तो 1 ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएंगे कितने 0 3 और 3 6 और 7 7 0 और 1 1 आ जाएगा। तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में आप देखो नंबर ऑफ वन कितने 2 हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ वन कितना 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2:1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट आता है अच्छे से तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है गिवन बेस एक्स है, अब बोल रहा है बेस की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आप गैस करके कर सकते हो 135 144, और यहां पर आ रहा है 323, तो कॉमन सेंस लगाना मेरे भाइयों, 5 और 4 वैसे अगर देखेंगे तो 9 होता है, तो 9 तो यहां पर दिख नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है बेस जो होगी वो 12 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर बेस 12 होती तो 9 तो गारंटी आता है ना, तो बेस 12 हो नहीं सकती। इसी प्रकार 3 आ रहा है, किस हिसाब से 3 आ रहा है, उस हिसाब से देखो 4 और 3 7 होता है, तो 7 बेस हो नहीं सकती, है ना, 7 बेस हो नहीं सकती, 7 ऑप्शन में भी नहीं है, है ना। अगर मैं मानता हूँ 3 बेस है इसकी, अगर मैं मानता हूँ 3 बेस है, तो 3 बेस में 1 2 3 तक आएगा बस, है ना, तो 3 बेस भी नहीं हो सकती,
तीन बेस होती तो वन टू थ्री, जीरो वन टू तक आता बस, है ना, तीन बेस भी चली गई। ऐसी पांच बेस अगर मानता हूं तो जीरो वन टू थ्री फोर तक जाएगा मैक्सिमम, है ना। पांच खुद आ नहीं सकता तो पांच बेस हो नहीं सकती, एक ही ऑप्शन बचता है छह, छह बेस होगी, कॉमन सेंस लगा लो, पांच और चार होता है नौ, नौ में से आप कितना माइनस कर दो, नौ में से पांच माइनस कर दोगे तो आपका तीन आ जाएगा, एक कैरी आ गई, चार तीन सात एक हो गया आठ, आठ में से पांच माइनस कर दोगे, सॉरी छह माइनस कर दोगे दो आ जाएगा, फिर एक कैरी आ गई तीन, तो बेसिकली बेस कितनी हो गई, सिक्स बेस हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रे कोड इज, अब आपको बताना है कि ग्रे कोड क्या है। पहला है बाइनरी वेटेड कोड, दूसरा है अर्थमेटिक कोड, तीसरा है कोड विच एक्सिबिट सिंगल वेट चेंज बिटवीन टू सक्सेसिव कोड। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से आंसर, मैंने आपको लिखवाया ही है इसका, मैंने आपको इसका लिखवाया ही है कि सक्सेसिव बिट में केवल कितने का चेंज होता है, सिंगल बिट का चेंज होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रे कोड कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ग्रे कोड वर्ड फॉर बाइनरी, व्हाट इज द ग्रे कोड। अब ये बाइनरी नंबर का आपको ग्रे कोड बताना है, ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है, ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी वन आ जाएगी, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया था एक्सऑर ऑपरेशन चलता है ना, मैंने बताया था एक्सऑर ऑपरेशन चलता है, तो वन और वन का एक्सऑर करोगे तो जीरो आएगा, जीरो वन का एक्सोर करोगे वन आएगा, वन जीरो का एक्सोर वन आएगा, जीरो वन का एक्सोर वन आएगा, और जीरो वन का एक्सोर वन आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइव टाइम वन एंड जीरो, फाइव टाइम वन एंड जीरो, फाइव टाइम वन एंड जीरो, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये आपका कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था, बहुत ही ईजी होता है इसका कन्वर्जन। इसका उल्टा अगर आप करना चाहो तो इसका उल्टा आप देखोगे, ये वन आ जाता है, और फिर इसका इससे करते हैं वन और वन जीरो, फिर इसका इससे करेंगे जीरो वन का वन, फिर वन वन का जीरो, ऐसे ही जीरो वन का वन, है ना, जीरो वन का वन, तो ये उल्टा हो जाता है, वापस से बाइनरी में आ जाता है। तो ये दोनों मैंने आपको क्लास में अच्छे से सिखाए हैं, और नहीं आपने वीडियो देखा अभी तक तो वो पहले देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। यहां पर आप गैस करके कर सकते हो, हमें एफ सिक्सटीन चाहिए, अब एफ सिक्सटीन सॉरी एफ चाहिए, अब देखो एफ किससे मिल रहा है, एफ किससे आ रहा है आपको देखना है, यहाँ पर एफ आना चाहिए भाई साहब बस, है ना। अब कौन से ऑप्शन से एफ आ रहा है वो आपको देखना है, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, तो अगर मैं यहाँ पर हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए जो है बेसिकली आपका 10 होता है, 11 होता है, एक कैरी ले लूंगा 16, 16 और 10 तो 15 आएगा, 15 आपका एफ होता है, तो पहले वाले से तो एफ आ रहा है, ठीक है, पहले वाले से एफ आ रहा है। ऐसे इससे चेक कर लो, बी सी सी बी से ये होता है 12, ये होता है 11, 12 में से 11 जाएगा, जाहिर सी बात 1 आएगा, और ये भी 1 होगा, सॉरी यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, तो सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वन एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वन एंड थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर रिप्रेजेंट इन द सीरीज बिलो। अब इनमें से बोला है करेक्ट सीक्वेंस किसका है ना, अब टू की बेस तीन है, 10 की बेस चार है, 11 की बेस पांच है, 14 की बेस छह है, 22 की बेस सात है। अब ये आपको दे रखा है, अब बोल रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन सही बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर रिप्रेजेंट इन द सीरीज गिवन। हाँ अब देखो यहां पर आपको जनरली क्या करना है, यहां पर आपको इसका इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा, टू की बेस थ्री है तो सिंगल डिजिट है, और इसकी बेस फोर है टोटल, तो टू की बेस थ्री मतलब क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री की पावर जीरो लिख सकते हैं, तभी टू आएगा, तो यहां से आपका टू आ गया। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं दो की पावर तीन, दो की पावर तीन प्लस दो, दो की पावर तीन आठ प्लस दो, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लेकिन बेस फोर है तो चार से छोटा ही होना चाहिए,
चार के टर्म में लिख देते हैं इसको, एक काम करते हैं, बेस फोर है ना, इसको लिख सकते हैं चार की पावर, क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं चार, और क्या लिख सकते हैं, टेन हो रहा है ना, टेन 10 है ना, 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 1 × 4 प्लस 0 × 4 की पावर 0, तो यहां से आप देखेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही 11 5 है तो 11 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 5 प्लस 1 × 5 की पावर 0, तो हो जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही 14 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 6 प्लस 4 × 6 की पावर 0, तो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही 22 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 प्लस 2 × 7 की पावर 0, 7 × 14 7 × 14 और 1 15, तो यहाँ से आएगा 15। तो आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए, चेक कर लो, 2 4 6 7, 2 4 6 7 15, चेक कर लो है क्या, 2 4 6 7, सॉरी 2 4 6, 2 4 6 है, हाँ ये 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, 14 का हो जाएगा 1 × 6, ये आ गया 6 और यहाँ से आएगा 4, तो हो जाएगा 10 है ना, और ये हो जाएगा कितना, 7 × 14 14 और 2 14 और 2 16 हो जाएगा है ना, ये वैल्यू होगी 2 4 6 10 16, 2 4 6 10 16, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने बाइनरी कन्वर्जन जैसे सीखा था वैसे ही हमने अलग अलग बेस पे कन्वर्ट किया है इसको, इक्विवेलेंट डेसिमल बताना था इनका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ -64 बेस 10 एंड 80 बेस 16 बेस 10 है ना, सॉरी 16 का इनका एडिशन पूछना है क्या होगा। अब इनका एडिशन करने के लिए या तो दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या तो फिर दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में। मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ भाई, 80 है, 80 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है पावर लेके सॉल्व कर लो आप इसको, है ना, क्या हो जाएगा ये, बेस पावर 8 × 16 हो जाएगा और 0 × 16 की पावर 0 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 16 8 128 128 है ना, तो ये 128 आ गया और ये 64 हो गया माइनस में, तो 4 12 में 6 64, 64 प्लस को रिप्रेजेंट बताना है आपको कौन सा कर रहा है। तो भाई दो ऑप्शन आपके अपने आप कट जाएंगे, ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया। अब 64 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड पता ही है, 64 32 16 8 4 2 1, 64 रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब देखो क्या हो गए, 0 हो गए, 1 आ गया और आगे प्लस में है तो 1 0 और आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन हमने इजी तरीके से क्या किया है, सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 24 ऑक्टल नंबर है, इसे किस में करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो 24 ऑक्टल जो है ना, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब बाइनरी में मैंने बताया था रूल चलता है 4 2 1 वाला, तो हो जाएगा 0 1 0, 4 हो जाएगा 1 0 0, ये आपका क्या आ गया बाइनरी। अब इसका क्या करना है, ग्रे लिखना है, अब इसका ग्रे लिखना है तो जाहिर सी बात है, तो ये 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं वैसे भी, सीधे 1 1 0 1 0 0 से शुरू करेंगे, ये आ गया 1, ग्रे लिखो 0 0 का क्या दे देगा, 0 0 का आ गया 0, 0 1 का आ जाएगा 1, 0 1 का आ जाएगा 1 और 0 1 का आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा 4 टाइम 1 और 0, 4 टाइम 1 एंड 0, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने क्या किया ऑक्टल में कन्वर्ट, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हमने ग्रे कोड सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 6 5 7, ये ऑक्टल नंबर है ना, तो ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो पहले बाइनरी में करेंगे रूल 4 2 1 वाला, 4 और 2 6 1 1 0,
चार और एक पांच, 1 0 1, 7 4 और 3 7 1 1 1। अब इसको चार चार के उसमें कन्वर्ट कर लो, चार चार के पेयर में, ये चार चार के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं आगे, है ना, ये चार हो गए। अब रूल चलेगा 8 4 2 1, 8 4 2 1 ये हो गया 8 4 12 12 और 3 15 15 का आ जाएगा F, है ना। सेम यहाँ पर आप देखोगे तो हो जाएगा 8 और 2 10 10 का आ जाएगा A, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 AF 1 AF, और H आखिरी में लगा दो क्योंकि हेक्साडेसिमल को शो कर रहा है। आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कितना इजी है, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 73x इन बेस x एंड नंबर सिस्टम इक्वल टू 54 ऑफ y इन बेस y, देन द पॉसिबल x और y। अब x और y पूछ रहा है क्योंकि जो 73 है वो इक्वल है किसके, 54 के, x और y बेस में। अब आपको बताना है कि भैया ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना, ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कर पाओगे क्योंकि बिना ऑप्शन के आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो अगर इसको मैं देखूं तो हो जाएगा क्या, x की पावर 0 हो जाएगा 3 प्लस x की पावर 0 और 7 इंटू एक्स, है ना, पावर 1, तो ये हो जाएगा 7x+3, और यहाँ पे आप देखोगे तो हो जाएगा 5y+5y+4 इंटू वाई की पावर 0, ये देगा 5y+4, है ना। अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7x-5y=1। अब उठा लो यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई करो। कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है वो आपको देखना है। जैसे 8 मैंने रखा एक्स और 16 रखा वाई, तो 8 रखूंगा तो ये हो जाएगा 8 7 56 और ये हो जाएगा 16 85, माइनस में आएगा पहला ऑप्शन गया। ऐसे भी ऑप्शन उठाओ, 10 रखूंगा ये हो जाएगा 70 और 12 रखूंगा 12 5 60, 70 में 60 जाएगा 10 आएगा, ये भी ऑप्शन गया क्योंकि एक चाहिए। इसी प्रकार 9 रखूंगा 9 7 63 और 13 5 65, 2 आएगा, ये भी ऑप्शन गया। लास्ट ऑप्शन है डी, 8 और 11 8 7 56 11 5 55, एक आएगा, बिल्कुल सही है सर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छे से देख लो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो